iPhone 13 दिला दूंगी। तो डियर है कि यहाँ से इसको ऐसे करके उठा के इसको किस करना है। तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ऑक्टोपस या स्क्विड कौन सा। गुड मॉर्निंग माय क्रेजी फैमिली, इट्स अ फैम गर्लियर, आई एम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। आज होने वाला है 24 आवर सी फूड चैलेंज और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सी फूड चैलेंज करने के लिए। जब भी चैलेंजेस वीडियो आता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को मालूम है ये वीडियो मतलब चैलेंज के वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, लेकिन मेरे को बहुत मन कर रहा है कि आज सी फूड चैलेंज करूँ, तो मैंने कर ही लिया। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आज का आउटफिट ये है, तो अभी निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और आई नो कि मेरे फोन का नेट ऑन है इसलिए टुकुर टुकुर करके मैसेज घूम रहा है, और इधर है श्रीमोई आंटी, सब पहचानते हो, नहीं दिखाऊंगी। तो चलो निकलते हैं अभी फिलहाल के लिए और सुबह का करते हैं ब्रेकफास्ट। सो गाइस ये रहा मेरा होटल और ये हूँ मैं, और अभी हमारी पार्टी होगी, मतलब अभी मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते जब मेरे को कुछ यहाँ पर सी फूड चैलेंज कर रही हूँ, तो कुछ फिश वगैरह खाना है, बट मेरे को सुबह सुबह सच में मन नहीं कर रहा था कि कुछ फिश वगैरह खाऊँ, ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा कि कुछ ड्रिंक भी आ जाए, पी के सामने ड्रिंक, तो नारियल के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं पी रही हूँ नारियल पानी सॉरी, और ये खा रही है आइसक्रीम। देख के मन कर रहा है बट मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैं सी फूड चैलेंज कर रही हूँ। तो इसको फिनिश करते हैं एंड फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ दोपहर के लंच। सो गाइस सुबह मैं थोड़ा नारियल पानी और नारियल के अंदर जो रहता है क्या बोलते शाश वो ही खाई थी। खाने के बाद अभी मैं फिलहाल रेडी हो चुकी हूँ पूरा, तो अभी निकलेंगे लंच के लिए। सेटिंग स्प्रे घुमा। सो गाइस चलो अभी निकलते हैं, करते हैं दोपहर का लंच। और ये रहा मेरा आउटफिट, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में बताना। सो चलो निकलते हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पर लंच मिलता है या नहीं, और लंच में आज क्या होगा वो भी देखते हैं।
भी इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनके आप लोगों के लिए मैं क्या खा रही हूँ आप लोगों में दिखा रही हूँ। तो दिखा रही हूँ मैंने ऑर्डर किया है स्क्विड। ऑक्टोपस भी, बट ऑक्टोपस मैंने नहीं लिया, स्क्विड लिया मेरे को। बट फिर भी मैं करूँगी, खाऊंगी। तो अभी यहाँ से इसको लेंगे, लेके होटल पे जाएंगे एंड फिर उसके बाद वाला। तो ठीक है, उसको भी गया है वो पकने के लिए। और मैं ना एक चीज़ प्लान की, इधर आ जाऊँ, मैं एक चीज़ प्लान की हूँ। मैं घर पे ऐसे बोली हूँ, मतलब जो लोग आए हैं, क्योंकि तो मैं उसकी खूब चैलेंज कर रही हूँ, मैं ऑक्टोपस खाने के लिए जा रही हूँ, तो सभी ऐसे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। तो मैं स्क्विड ली हूँ, इसको पका कर लेके जाएंगे, नहीं बताएंगे कि ये स्क्विड है और बोलेंगे कि ये चिकन है, बोल के इसको खिला देंगे एंड देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। खाने के बाद बताएंगे कि उन्होंने स्क्विड खाया है। चलो इसको रेडी होने दो, चलते हैं घर पे, मिलते हैं वहाँ पर आप लोगों से। तो गाइस, जैसे कि पीछे आप लोग देख सकते हो, बहुत तरीके का फिश था और मैं अगर चाहती तो एक, मतलब कुछ भी फिश खा के ये चैलेंज कंप्लीट कर दे पाती, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, जिसमें आप लोगों को भी मज़ा आए और मेरे को भी मज़ा आए, कुछ हटके करना चाहिए। तो इसलिए मैंने स्क्विड ऑर्डर किया और अभी पता नहीं कि ये कैसा होगा, मतलब देखने में तो कैसा लग रहा है, एकदम पसंद नहीं। बेसिकली मेरे को और भी ज़्यादा पसंद नहीं एक ही कारण के लिए, वो चाइनीज़ लोग इसको लेके ऐसे करके खाते हैं और उनके पूरे मुँह पे काला काला हो जाता है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अभी ये पक रहा है एंड देखते हैं क्या होता है। मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट तो इस चीज़ का लग रहा है, मैं खा रही हूँ तो अलग बात है, घर पर जब मैं सभी को बोली कि मैं आज फूड चैलेंज कर रही हूँ और फूड चैलेंज में मेरे को सी फूड खाना है और उसमें मैं खाऊंगी ऑक्टोपस, तो सारे इतना गंदा रिएक्शन दिया और वो लोग हमारे साथ आए भी नहीं ये चीज़ लेने के लिए। तो बोला कि चिकन बोलोगे तो किस खा जाओगे, तो मैं बोलूँगी कि शौंकुट माछ लेके आई हूँ, मेरा फिश फूड चैलेंज है ना ये, तो इसीलिए तो बोल के अभी उन लोगों को भी खिलाऊंगी एंड खाने के बाद रिएक्शन देखते कि कैसा होगा। मैं और एक चीज़ सोच रही हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को जाके बोलूँगी कि मतलब स्क्विड तो नहीं बोलूँगी, बोलूँगी ऑक्टोपस, बिकॉज ऑक्टोपस उन लोगों को एकदम भी नहीं पसंद, सुन के उन लोग ऐसा करता है। मैंने प्रीतम को एक डेयर दिया है क्योंकि ये मेरे साथ आया है, तो अगर ये डेयर कंप्लीट करता है तो मैं इसको आईफोन 13 दिला दूंगी। तो डेयर है कि यहाँ से इसको ऐसे करके उठा के इसको किस करना है। आज ओपन चैलेंज है, छोड़ दो, मेहनत से कमाऊंगा इसको। अभी किस करने से मेरा और जिंदगी भर मेरा को लड़की नहीं मिलेगा, मैंने समझ गया, कुमारा मरना पड़ेगा था। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आ गया स्क्विड, मुझे किस करने बोला अभी तो स्क्विड का। এইরকম করে কেন নিয়ে এসেছো? হাত মুড়া কাপড়ায়
चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अभी हम लोग का स्क्विड दिखाओ एक बार। तो ये स्क्विड जा रहा है और हम लोग नहीं बताएंगे कि ये स्क्विड है और उन लोगों को बोलेंगे कि शॉक और माछ है, वो फिश है, ये बोल के उन लोगों को खिला देंगे। उधर के खाओ वो, ठीक है? क्यों बोलबे ना, खिलाने के बाद मतलब स्क्विड बोलने से ना उन लोग ज्यादा ये नहीं होगा, क्योंकि वो लोग ऑक्टोपस से ये कर रहा था, ये है स्क्विड, हम लोग शंकर माछ बोल के खिलाएंगे, लेकिन खिलाने के बाद बोला तू लोग ऑक्टोपस खाया। और फिर देखते हैं रिएक्शन। 20 मिनट्स लेटर। अरे शंकर माछ को ऑक्टोपस छिल रात और ऑक्टोपस को बोलो ऑक्टोपस तो एरर कोड को दिए था। अरे खाओ ना यार, एकटा खाओ तो मैं खेल रहा हूं। अरे आप हम के जी बंद कर सकते हो। আর অক্টোপাসের হচ্ছে অক্টোপাসের যে টুকরোগুলোর পায়ে দেখবি এরকম এরকম ফোলা 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 ফোলা, ওর যেগুলো দিয়ে আটকায় লঙ্কা না কি কে জানে। ওই যে কি ওটা কি পোকা মোকা পড়েছে নাকি, ওটা পোকা মোকা পড়েছে, ওটা কি কি জিনিসটা না, লেজও দিয়ে সম্পর্ক আছে, ওইটারও আছে। দাঁড়াও ক্যামেরা নিয়ে আসি, মাছটাকে কেনা কাটা সব ভিডিও করা আছে। না রে অক্টোপাস না, ভাট অক্টোপাস না, পচা মাছ দিয়েছে নাকি, কোথায় জানি মুখে বলো, তাহলে আমি তাহলে খাবো না। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखी, मैं उन लोगों को स्क्विड एक्चुअली खिला दी थी, बट मेन बात क्या हुआ ना, जब मैं हम लोग स्क्विड लाए, वो रोनू जी तो सभी को बता दिया था यार ये स्क्विड ऐसा एक गूंज रहा था, लेकिन जो मम्पी है वो इतना फूड लवर है, वो उसको ना फिश समझ के पहले खा लिया था एक बार से, मतलब वो मुंह पे देने के बाद उसको समझ में आया एंड उसके बाद वो उल्टी करता रहा करता रहा करता रहा। एंड जो दीदी था, दीदी ने एकदम भी नहीं ट्राई किया, क्योंकि वहाँ पर जो स्क्विड का एक पैर था वहाँ पर रह गया था। हम लोग बहुत बोले कि वो शंकर माछ का लेज है, ये है वो है बोल के, वो मिर्ची है, बट वो फिर से समझ ही गया लेकिन नहीं खाया। जमाई बाबू ने तो खा लिया था एंड बाकी सभी ने खाया, लेकिन बाद बाकी पूरा का पूरा प्लेट एकदम, मतलब मैं चैलेंज के लिए थोड़ा बहुत खाई थी एंड बाद बाकी मैंने पूरा फेंक दिया था, बिकॉज वो एक स्क्विड 250 रुपया लिया था। गाइज लिटरली अगर आप लोग दीघा जाओ एंड अगर आपको सी फूड ट्राई करना है तो आप ना जो रोड साइड की जो दुकान है वहाँ से मत ले, आप कोई बड़े रेस्टोरेंट से जाके खा सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को मतलब मन भर के एक्चुअली खाने को मिलेगा। मैं खाई थी एकदम फर्स्ट जो एक पीस, तो मैं वहाँ पर बोलती कि बहुत अच्छा है, हाँ तब मेरे को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन बाद में जो अब वो उसको घर पे ले आया, इतना मतलब गंदा उसमें से बदबू आ रहा था। उसको चैलेंज के लिए मैं थोड़ा बहुत खाई थी एंड और नहीं मैंने फेंक दिया। तो मैं, मेरे साथ ये हुआ, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग कोई रेस्टोरेंट पर जाए तो वहाँ पर बोलेंगे, तो वहाँ पर खाने के बाद आप लोगों को मन भर जाएगा। या फिर कोलकाता में भी ये बहुत जगह पे स्ट्रीट ऐसे सी फूड मिलता है, तो वहाँ से भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। गाइस दीघा का मेरा चैलेंज वाला वीडियो था और इसके बाद जो दीघा का ब्लॉग है वो मेरा अभी भी है फ़ोन में, आप लोग बोलोगे तो मैं अपलोड करूँगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो वीडियो अपलोड करूँ या नहीं। मैं मेरे साथ कमलेश नहीं था, सिर्फ प्रीतम था, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाने में इतना बिजी थी तो ब्लॉग में नहीं बना पाई। और एक कोई होता, अगर कमलेश होता तो अच्छा होता, तो फिर मैं ब्लॉग भी रेडी कर पाती, बट ब्लॉग एकदम ज़्यादा नहीं ले पाई, बट थोड़ा बहुत मैंने बनाई हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और या आई नो कि मेरे चैनल पर बहुत ही देर
से वीडियो आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो गई हूँ गाइज, क्या बताएं अभी। ट्राई करियो, कोशिश करियो कि बहुत ही जल्दी जल्दी वीडियो देने का। और दीखा का वो चैलेंज वाला वीडियो यहीं पे एंड होता है। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे बाय बाय। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम राजश्री डीजे। टाटा।